मैंने इंडियन जो फर्स्ट मूवी आई थी वो नहीं देखी थी। ऑब्वियसली वो मूवी काफी ज्यादा बढ़िया गई होगी तब जाकर आपके सामने इंडियन 2 जो वो मूवी थिएटर्स में आई है। पता नहीं क्या सोच कर या किसने ये जो सलाह दी है उनको। खैर, इस मूवी की जो लेंथ है वो 3 घंटे के आसपास है, इतनी देर तक आपको इसका टॉर्चर सहना पड़ जाता है। खैर, बात करते हैं इस मूवी की कहानी, हमें क्या देखने को मिलने वाला है। देखो, देश के अंदर काफी ज्यादा करप्शन बढ़ गया है, धोखाधड़ी बढ़ गई है, अन्याय बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो इस तरीके का भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, आम जो जनता है, वो मरती जा रही है, उनके ऊपर लोन बढ़ रहा है, एजुकेशन लोन के कारण बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इसके चलते जो पॉलिटिशियन है वो काफी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो काफी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यानी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो जनता को लूट लूट कर खा रहे हैं। एक तरीके से बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया है, शोषण बढ़ गया है। इसके चलते कुछ जो लोग हैं यानी कुछ युवा लोग हैं वो परेशान हो गए देश के इस तरीके के हालात को देखकर। वो लोगों को अवेयर करवाना चाहते हैं, लोगों के अंदर एक बदलाव लाना चाहते हैं। इसके चलते वो यूट्यूब पर एक चैनल बनाते हैं, वहां पर वो वीडियोस डालते हैं, एक तंज कसते हैं नेताओं के ऊपर, और एक तरीके से जो एक जर्नलिज्म की या फिर कहें कि एक अवेयरनेस के तौर पर वो लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि देखो यहाँ पर आपने जिनको वोट दिया था तो इस तरीके के करके वो लोग हैं, यहाँ पर सफाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एक तरीके से अवेयरनेस वाली चीजें वो करते हैं। लेकिन उनके इस बिहेव मतलब कि इनके इन वीडियो बनाने से कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। यहाँ पर वो हैशटैग चलाते हैं, उनके हैशटैग से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये थक हार कर बेचारे सोचते हैं यार हिंदुस्तानी यानी इंडियन को वापस बुलाया जाए भारत के अंदर, तभी वो इंसान जो है वो अकेला कुछ ना कुछ कर पाएगा, इस देश को सुधार पाएगा, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म कर पाएगा, लोगों को एक तरीके से मोटिवेशन दे पाएगा कि भैया देश को सुधारा जाए। और फिर ये चारों लोग मिलकर एक हैशटैग चलाते हैं, #comebackindian। अब ये इंडियन तक यानी जो हिंदुस्तानी है उस तक ये बात पहुंच भी जाती है और वो भारत आ भी जाता है और अपने हिसाब से करप्शन को खत्म करने लग भी जाता है। अब ये जो चारों करेक्टर हैं वो कैसे इंडियन की हेल्प करते हैं, क्या क्या इनके रास्ते में प्रॉब्लम आती है, देखो इसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। फिलहाल अभी भाग मत जाना इतनी ही वीडियो देख करके, यार बहुत बढ़िया स्टोरी लग रही है, भ्रष्टाचार को मिटाया जा रहा है, इतने ज्यादा जो करप्शन है उसको लेकर मूवी बन रही है, बेरोजगारी के ऊपर मूवी बनी है, मुद्दे तो काफी बढ़िया उठाए गए, तो आप कहीं भाग जाओ मूवी मतलब वीडियो को इतना ही देखकर। पहले पूरी वीडियो देख लेना, फिर आप डिसाइड करना कि मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। कम से कम मेरा तो टाइम वॉच टाइम मत घटा के जाओ। अब बात करें कि मूवी के अंदर क्या अच्छा है और क्या क्या कमियां। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसके बारे में बात करें। सिर्फ एक ही अच्छी बात मुझे इस मूवी के अंदर लगी, जो इसके अंदर मुद्दे उठाए गए भ्रष्टाचार को लेकर, गवर्नमेंट एग्जाम लीक जैसे हो रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम में धांधली कैसे होती है, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ पीछे रह जाते हैं, उनकी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, जो पैसे के दम पर आगे बढ़ रहे हैं उनको बढ़िया से बढ़िया सीट मिल जाती है, गवर्नमेंट एग्जाम वो क्लियर कर पाते हैं, डॉक्टरी के अंदर वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो चीज मैं देखता हूँ यार वो बहुत ज्यादा एक आज की डेट में सीरियस इशू है कि उठानी चाहिए। हमने देखा जिस तरीके की गवर्नमेंट एग्जाम लीक हो रहे हैं, नीट एग्जाम आपने देखा होगा वहां पर जिस तरीके की धांधली चली है, अभी हाल ही में यूपीएससी को लेकर काफी सारी जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हमारे सामने आई है, खैर उसकी एक अलग वीडियो में बात करेंगे क्योंकि काफी टाइम पहले कुछ टाइम पहले जब वीडियो बना रहा हूँ उसके कुछ दिन पहले यूपीएससी जो है वो ट्विटर यानी एक्स के ऊपर ट्रेंड भी कर रहा था, क्योंकि पूजा खेड़कर करके जो एक आईएएस ऑफिसर है उसके कंट्रोवर्सी को लेकर ये काफी मुद्दा गरमाया हुआ था। खैर ये एक अलग टॉपिक है, हम बात करेंगे। तो ये गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर इन्होंने जो बात उठाई, डेफिनेटली मुझे लगा स्टार्टिंग में मूवी काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी लोगों के ऊपर, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज देके जाएगी यहाँ पर, लेकिन बस एक यही एक अच्छी बात है सिर्फ और सिर्फ इसमें मुद्दा उठाया गया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक इकलौती बढ़िया बात मुझे मूवी में यही लगी। अब बात करें मूवी के अंदर क्या क्या कमियां। देखो यार मुझे लगा ये मूवी देख करके आप भांग पीक कर स्क्रिप्ट लिखी थी क्या इस मूवी की, मतलब कुछ भी बिना सर पैर के आप मूवी दिखा रहे हो। किसी समझदार इंसान को अपने पास बिठा लेते, वो आप लोगों को बता देता कि यार आप लोग जनता के सर में दर्द करने जा रहे हो, क्यों ये सब चीजें वाहिया चीजें जो है लोगों को दिखा रहे हो, यहाँ पर लोगों को आप बेकार से बेकार ओवर एक्टिंग दिखा रहे हो, आप लोगों को एक घटिया एक्शन दिखा रहे हो जिसको देखकर उल्टी आ जाएगी। और ऊपर से ये सबसे ज्यादा मुझे इरिटेट किया इन चार करेक्टर्स ने, इन चारों में से एक चित्रा नाम का जो करेक्टर है, जिस तरीके के यार इसकी एक्टिंग है, जिस तरीके का बिहेव करता है यार, इसने इरिटेट कर दिया। स्टार्टिंग में अच्छा होता है लेकिन बाद में जिस तरीके के इसके हैशटैग चलते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर जो ये क्रांति लाना चाहता है, या फिर जिस तरीके का ये प्रोटेस्ट करता है वो फेक प्रोटेस्ट, मुझे लगता है यार इतना ज्यादा लूप होल है इस मूवी के अंदर। सच कहूं यार कमियां हद से ज्यादा है, जो इस मूवी का जो मुद्दे उठाए थे वो कहीं ना कहीं दब के रह जाते हैं कि यार क्या बना दिया यार तुम लोगों ने, और क्या तरीका अपनाया जाता है इस मूवी में करप्शन को खत्म करने का। वाकई में यार मैंने तो वो आइडिया आज तक सुना ही नहीं था, और जिस तरीके का इसका अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया गया है वो सर में दर्द कर देता है। और एक जो पुलिस वाला है इस बूढ़े इंसान यानी जो इंडियन को है वो पकड़ ही नहीं पाता, एक 80-82 साल का आदमी है इसको पकड़ नहीं पाते पुलिस। मुझे लगता है पक्का ये पुलिस वाला कोई मतलब भांग पी कर या फिर इसने एग्जाम भी रुपए देकर ही क्लियर किया, मुझे नहीं लगता वो पक्के एक सही एग्जाम के थ्रू आया है यहाँ पर पुलिस के अंदर, क्योंकि उससे एक बूढ़ा आदमी तक नहीं पकड़ा जा रहा है यार। ये मैं कहता हूँ देखो यार मूवी के अंदर हमें लॉजिक नहीं लगाना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि मूवी जो होती है वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से होती है, जो हम रियल
रियल लाइफ के अंदर नहीं कर पाते, वो रियल लाइफ के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप कुछ भी बवासीर दिखाना स्टार्ट कर दो। फिर हम आते हैं इंडियन जो एक करेक्टर है इसके ऊपर। भाई साहब ये जिस तरीके का करेक्टर दिखाया है, कहीं पर भी ये घुस जा रहा है, पीएम ऑफिस में भी ये घुस जाएगा, न्यूक्लियर अटैक तक भी कर देगा, क्योंकि इसको कोई ना देख पा रहा है ना इसको कोई रोक पा रहा है। यार इससे बेटर तो आप इसको पिशाच ही बना देते ना, चीजें हजम तो हो जाती। और ये सब अभी यहीं पर ही नहीं रुके, इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है, क्योंकि लास्ट में मूवी के में जो चीजें दिखाई जाती है, जो झलक हमें दिखाई जाती है, एक तरीके से ट्रेलर कह लो, टीजर कह लो, जो भी हमारे सामने आते हैं कि आने वाली जो थर्ड मूवी है उसके अंदर में क्या देखने को मिलने वाला है। भाई साहब मैं सच कह रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आप इस इंडियन 2 के जो मूवी के रिव्यू है या फिर जो पब्लिक ओपिनियन है उसको ध्यान से सुन लेना, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके की आपने मिस्टेक इसके अंदर कर दिया। हालांकि मैंने जो इतना अभी सुना है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ कि 20 मिनट तक जो अननेसेसरी सीन थे इसमें से कट कर दिए गए हैं, जो 3 घंटे की मूवी थी शायद इसको अब लगभग 2.5 घंटे के आसपास कर दिया गया, अननेसेसरी यानी बेवजह के जो सीन है इसके अंदर कट किए गए हैं। मुझे नहीं पता ये कितना सही है, मैं बस ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था इंटरनेट के ऊपर, वहां पर मैंने इसको पढ़ा है। जो आप ये थर्ड मूवी लाने की सोच रहे हो, या तो उसके अंदर फेरबदल कर लो, उसके अंदर जो वाहिया सीन उसको हटा दो, एक्शन के ऊपर कुछ बेटर काम कर लो, कुछ बेटर चीजें कर लो, ओवर एक्टिंग जो इसके अंदर की गई है उसको सुधार लो, तो शायद मूवी कुछ अच्छा कर पाए। वरना आप एक काम करो भाई साहब, इस थर्ड मूवी को किसी एक सस्ते से ओटीटी के ऊपर बिना ऑडियंस को भनक लगे रिलीज कर देना, बेटर रहेगा। क्योंकि जो आपने मुद्दा उठाया ना धोखाधड़ी का, इसके अंदर मुद्दा उठाया जाता है कि जो एक रेस्टोरेंट होते हैं या जो ढाबे होते हैं उनके ऊपर लोगों को कैसे चूना लगाया जाता है, उनको बासी खाना परोस दिया जाता है, आपने जो इस मूवी के अंदर दिखाया वैसे ही आपकी मूवी एक तरीके से आपने लोगों को एक उम्मीद देकर एक घटिया कंटेंट परोस दिया। एक तरीके से जो आप लोगों को बता रहे हो सही रास्ते पे चलने के, कम से कम आप तो उसके ऊपर चल लो। तो मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 2/10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो मैं सच कहूं कि आपको कोई भी जरूरत नहीं है इस तरीके की मूवी देखने की। हाँ मुद्दे सिर्फ अच्छे हो जाने से मूवी अच्छी नहीं हो जाएगी, उनके ऊपर काम करना, उनके ऊपर कोई सॉल्यूशन देना वो एक बढ़िया चीज थी, उनके ऊपर सीरियस चीज से काम करना वो बढ़िया बात होती। लेकिन नहीं, आपने बस एक वो फालतू से एक्शन के ऊपर या एक ओवर एक्टिंग के ऊपर बस इस मूवी का बेड़ा गर्क कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।